हेलो गाइस, मैं उदीप शेंडे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलो आज का एपिसोड इस तरह सपोर्ट ऊपर होने वाला है। तो कुछ पिछले वीडियो में थोड़ा सा मेरे वॉइस में थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत सुधारना करके आए हैं। अपनी गलतियाँ महसूस करके मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये दिखा दिया है, ऐसा ही फोटो हम बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर दो। अभी इसका साइज हमने लिया था, वेट है 22, हाइट है 15, तो रेजुलेशन हमने रखा है 300 इंचेस में पिक्सल इंच, और रिसैम्पल ऑटोमेटिक। ओके करता हूँ मैं, और इधर से लेता हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले हम वो दो फोटो दो पिक्स है वो कट करके लेंगे, और ये PSD का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले ये फोटो लूंगा मैं, और सॉरी, और ये पिक्स लगाने हमें, तो इसको हम ये थोड़ा सा ब्लैक है फेस, सिलेक्टिव कलर लेके रेड सिलेक्ट करके ब्लैक थोड़ा सा कम कर देंगे, और कंट्रोल आई के सहारे से मास्क ब्लैक कर देंगे, और वाइट कलर से हम इसके फेस पर क्लिक करेंगे तो इसका फेस वाइट हो जाएगा। ये देखो, अब इमेज लेयर करता हूँ मैं, और फोर्थ नंबर वाले क्विक सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ, और सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ ऊपर वाले से। तब अब ये सिलेक्शन हो गया, एक बार सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करता हूँ, जिधर थोड़ा बहुत ग्रीन दिख रहा है उस सर सेकंड वाले टूल से हमको फिराना है थोड़ा बहुत। तो मैं ओके करता हूँ अभी, और कंट्रोल जी के सहारे हम उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया है, अभी इस फोटो का ही हमें वैसे ही करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा बहुत लोड लेता है। सिलेक्ट मास्क करके ये जो दो नंबर का टूल है उसमें वो फेरने से आपके हेयर प्रॉपर कट हो जाएंगे। थोड़ा ज्यादा नहीं करेगा, और ओके कर देंगे। अब कंट्रोल जे करके इसका भी हो गया कॉपी। आप सीधा लेके आएंगे इस साइज में, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था उस पर, और दूसरा पिक्स लेके आएंगे, कुछ इस तरह से उसको सेट कर देंगे। अब इसको हमको इसके ऊपर एक बैकग्राउंड ऐड करना है, तो सब आपको PSD में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसमें से आप ले सकते हो। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें देखो ऐसा है, इस तरह से हमको बैकग्राउंड सेट करना है। तो इस पर क्लिक करके सीधा फ्लिप और ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं, ऐसा करने के बाद हमको इस वाले लेयर को बॉक्स ब्लर डालना है थोड़ा बहुत, एक 31 तक ठीक है। अब इस फोटो को हम फटाफट से स्क्रीन रिटच कर देंगे। स्क्रीन रिटच का मैंने पहले एक ट्यूटोरियल बना लिया है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, मैं डाल दूंगा। फटाफट से स्क्रीन रिटच करता हूँ अभी, ये ऊपर वाले पिक्स को ज्यादा नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि उसको ऑपेसिटी हम कम करने वाले हैं।
ऐसे ही आपको धीरे धीरे से उस पर फेरना है। अब ये ब्लैक फेस है, उसको ओ पे क्लिक करना है आपको, कीबोर्ड पर ऊपर से हाईलाइट लेना है, उसके ऊपर देख दो बार क्लिक करना है। कंट्रोल आई के सहारे में कलर सिलेक्ट करता हूँ उधर से। आप एक बार स्क्रीन का वीडियो देख लेंगे तो आपको स्क्रीन का और समझ में आ जाएगा। ये कटिंग थोड़ा बहुत तो वो पार्ट आया है, वो पॉलीगन टूल से निकाल देंगे। सिंपल है, ध्यान से देख लो। ऐसे सिलेक्ट करके सीधा डिलीट पर प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब ये वाला पिक्चर को हम रिटच कर देंगे। इस पर देखो बालों में ग्रीन आ रहा है, हम इसको सीधा कंट्रोल यू कर देंगे। मास्टर में इधर मास्टर है, इधर ग्रीन सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन का कलर कम कर देंगे, थोड़ा बहुत रहेगा तो भी चलेगा। हम उसको फिर से एडजस्ट कर देंगे कंट्रोल जे करके। इसको थोड़ा बहुत रिटच करता हूँ अभी, ये फटाफट से करता हूँ। आप पहला वीडियो जाके देख लो, वो वीडियो वॉइस में नहीं है, तो आपको वॉइस में वीडियो चाहिए होता तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं अलग से बना दूंगा। ज्यादा कुछ आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, आपको देख के समझ में आ जाएगा जल्दी। थोड़ा बहुत अलग करने का सोच लो, जैसा आपका फोटो है उस तरह से आपको एडजस्ट करके कलर लेने। ऐसा नहीं कि मेरे जैसा ही सेम होना चाहिए, आपको जो अपने हिसाब से अलग कर सकते हो। अभी थोड़ा मैं इधर से ऑपेसिटी कम करता हूँ, थोड़ा स्क्रीन टचिंग ज्यादा लग रहा है। तो अब इसका मर्ज लेयर करके हम इसको जो बालों में ग्रीन आ रहा है वो निकाल देंगे पॉलीगन टूल से। से निकाल देंगे, ये थोड़ा बहुत लग रहा है वो भी निकाल देंगे। अब हमको एक क्या करना है, ध्यान से देख लो इधर। अभी ये जो है बड़ा वाला पिक्स, उसको मास्क करना है नीचे से, और सिंपल वाला ब्रश लेके इधर ब्लैक सिलेक्ट करना है। ओपिसिटी हम रखेंगे 80, और उसको थोड़ा बड़ा करते हैं इधर से, ब्रिज की साइज एडजस्ट कर सकते हो। अब ब्रैकेट का बटन दबा के भी साइज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा ब्रैकेट से, और सीधा नीचे से आपको ऐसे उसको करके एडजस्ट कर लेना है। अब हम उसको ऊपर डाल देंगे इधर, बैकग्राउंड को अभी मैं सही कर देता हूँ। बैकग्राउंड ऐसा नीचे लेकर आपको इसको भी मास्क करना है, और ब्रश लेकर इधर ब्लैक सेलेक्ट करके आपको ऊपर के वाले से फेरना है। ये ऊपर का पीस है जो व्हाइट हो जाएगा। अब ये पिक्स हमको सिलेक्ट करके उसको ल्यूमिनिसिटी ऐड करना है, और इसका पिक्स ऑपोजिट हम कम कर देंगे। बैकग्राउंड का भी थोड़ा ऑपोजिट हम कम करते हैं। अब ये कुछ इस तरह से हो गए। अभी हम थोड़ा इसको कम करते हैं। ये आपको मास्क का जब सिलेक्शन कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा ना, तो आप परफेक्ट हो जाएगी। अब सीधा हमको इस पीजी से ए नाम लेकर इधर आना है। आपको भी पीजी में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ये डाउनलोड करके उधर से पीएनजी आपको लेने। ये आसान होता है, आपके तरह आप कुछ भी नाम लिखकर इधर ऐड कर सकते हैं।
अब इसका नाम मैं लेता हूँ, ये ड्रैग करके सीधा इधर लाता हूँ। ये हो गया हमारा इधर नेम का ऐड। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इधर एक कॉपी लेयर करेंगे, ग्रेडिएंट टूल लेके इधर ब्लैक सिलेक्शन कर लेंगे। ध्यान से देख लो एक बार, सिर्फ फेस में आगे लाना है, ये पिक्स नीचे आएगा तो भी इधर ब्लैक हो जाएगा। इसके नीचे थोड़ा कम करना है, ये सही लग रहा है। अभी हमको क्या करना है, ये अभी इम्पोर्टेंट बात है, नीचे जाके हमको लेना है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस लेते समय आपको थोड़ा ब्लू की तरफ लेना है, ऐसे थोड़े, वो जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे तरह करो, सबका पिक्स अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। ये देखो जितना आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये देखो कितना टोन निकल कर आया है। अब हमको सीधा नीचे से जाके चैनल मिक्सर लेना है। चैनल मिक्सर में हम थोड़ा सा इधर भी बहुत टोन मिलते हैं हमको रेड में, इस लड़के का फेस थोड़ा सा इसके फेस पर आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। हम नीचे वाले को सिलेक्ट करके मैं इस पर ब्लैक कलर डालता हूँ, इस मास्क के ऊपर ये निकल जाएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट में मेरे को जरूर बता देना, ताकि मैं आपके अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अब इधर दिख रहा है थोड़ा, इसको भी ब्लैक के सहारे हम निकाल सकते हैं, क्यों या पॉलीगॉन टूल से निकाल देंगे। अब देख लो एक 4 के 5 मिनट में हमारा अरेबल इस तो रेडी हो गया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा PhD का, वो डाउनलोड जल्दी कर लेना है आपको और प्रैक्टिस करना है। और ये पिक्चर की तरफ भी आपने पेज पर मत डालना, ये कस्टमर का पिक से, इसलिए कॉपीराइट इशू होगा इसका। तब हमको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, बस आपके प्यार का साथ चाहिए। चलो तो चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे को कमेंट में बताना अगला टॉपिक किस वीडियो में बनाना है, मैं आपको जल्दी बना के डाल दूंगा। बस आपको एक सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच।